नमस्कार दोस्तों पीसीएस सी एस गुरु जी में आपका स्वागत है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई है जो यूपी पी सी एस दो हजार बाईस का जो एग्जाम आप देंगे अगले साल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सवाल है ये इसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान जो है इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो गया है जो अपनी मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्चा करते हैं यानी दो हजार बीस में जिन कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री के ऊपर पैसा खर्चा किया है उस लिस्ट में इंडिया नंबर तीन पे है नंबर वन पे यूएसए है नंबर नंबर पे चाइना है 3 पे इंडिया है पर इंडिया ठीक है और ये किसने रिलीज किया है ये निकाला है है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको हम बोलते हैं सिप्री सिप्री ने ये खबर ये जो एक रैंकिंग होती है ये रैंकिंग सिपरी ने किया है सिप्री हो रहा है, है स्टॉक स्टॉक होम

रैंकिंग दी है किस संस्था ये संस्था वाले सवाल बहुत सारे पीसीस में आते हैं तो वो दी है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो है सिपरी में और सिप्री जो है यानी स्टॉक होम जो है वो कहाँ है दोस्तों वो है स्वीडन के अंदर स्वीडन के ऊपर कई बार सवाल दोस्तों पूछा गया आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं अगर आप देखोगे थोड़ा सा रिसर्च आप करेंगे तो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड ये कंट्रीज़ आपस में बहुत आसपास हैं और ये कंट्रीज जो हैं ये अपने अच्छे कामों के लिए बहुत फेमस है जब भी कोई ऐसी इंडेक्स आएगा जहाँ पर एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा कि भाई वैसा बताओ कि सबसे अच्छी एजुकेशन कहाँ पर है या इक्वालिटी के बारे में पूछा जाएगा या लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछा जाएगा या करप्शन फ्री कंट्री के बारे में पूछा जाएगा तो ये कुछ कंट्रीज हमेशा लिस्ट में आते हैं उसमें नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड और डेनमार्क आते हैं ठीक है तो ये कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें ही आप एक स्टॉक जो कि स्वीडन की राजधानी है वहां पर एक संस्था है इसका नाम है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम सिपरी कहते हैं ठीक है सिपरी कहते हैं तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है एग्जाम में आपसे दो तीन तरीके से सवाल पूछ सकता है अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं कि अक्सर में खबर क्या ही है उस समय दोस्तों यूपीपीसी दो हज़ार के लिए एक ऑनलाइन कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको वीडियो पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ को देंगे आ, कोर्स की फीस तीन हजार रुपए है अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एट थ्री वन सेवन जीरो फोर वन फाइव टू पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है उस पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं हाँ दोस्तों आगे बढ़ते हैं जो लिस्ट आई है इसमें से उसमें ये आया कि जो यूएसए है वो लगभग 778 बिलियन रुपीज खर्चा कर रहा है अपने मिलिट्री के ऊपर चाइना जो है वो 252 मिलियन खर्चा कर रहा है और इंडिया जो है लगभग 73 बिलियन डॉलर्स खर्चा कर रहे हैं अच्छा अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ देखिए अमेरिका अपने मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्चा करता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अमेरिका है वो कहीं कही ना कहीं एक अपने आप को वर्ल्ड लीडर घोषित करता है कि वो वर्ल्ड लीडर है और कहीं पर भी मसले होंगे तो उस पर अमेरिका का अपना एक इनपुट होता है दुनिया भर के अंदर जहाँ पूरी दुनिया भर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर यूएसए के मिलिट्री बेस लगे हुए हैं यू के मिलिट्री बेस है चाहे वो इंडियन uh, ओशन हो चाहे वो पैसिफिक ओशन हो चाहे वो अटलांटिक ओशन हो या यूरोप में कहीं जहां जहां पर अमेरिका uh, को लगता है कि यहाँ पर बड़ा स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वहां वहां यूएस आर्मी की प्रेजेंस रहती है या यूएस आर्मी की मिलिट्री बेस रहता है ठीक तो है इसीलिए इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है अमेरिका को सेवन सेवेंटी एट बिलियन डॉलर दो हज़ार बीस में खर्चा किए कम्पेयर टू यूएसए चाइना की बात करते हैं तो लगभग ढाई हजार ढाई सौ बिलियन डॉलर खर्चा कर रहा है चाइना अपने आप को थोड़ा सा यूएसए की टक्कर में लाने की कोशिश कर रहा है अभी उस लेवल पर पैसा खर्चा नहीं कर पा रहा है अभी वन थर्ड पैसा खर्चा कर पा रहा है लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना भी अब अच्छा खासा पैसा खर्चा कर रहा है अब चूंकि इंडिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों दोनों ही देशों से घिरा हुआ है तो इंडिया को मजबूरन में अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं लगभग सेवेंटी बिलियन डॉलर इंडिया पैसा खर्चा करता है अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर अब दो तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके मेन्स के लिए आएंगे वो समझिए कोशिश कीजिएगा दोस्तों पहला सवाल सवाल तो पहले पूछते थे जैसे मैंने आपसे कहा कि आ, अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं बेस मिलिट्री बेस हैं जिसमें अमेरिका जिन मिलिट्री बेस के कर, से माध्यम से पूरी दुनिया में कंट्रोल करता है एक मिलिट्री बेस जो है वो इंडियन ओशन के अंदर है हिंद महासागर में है वो कहां पर है एग्जाम में पूछा गया है इंडियन ओशन के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस है वो कहां पर है ये आपको बताना है मुझे और ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ठीक है अच्छा अब इंडिया जो एक्सपेंडिचर कर रहा है ठीक है जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइना है पाकिस्तान है टू फ्रंट वॉर इंडिया हमेशा सोचता है कि अगर कभी वॉर होगी तो शायद चाइना और पाकिस्तान मिलकर लड़ेंगे तो इंडिया इसके लिए प्रिपेयर करता है एक सवाल जो आपको ऐसे में या जीएस में सवाल पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है आपसे के भाई ये बताइए कि जब कोरोना काल चल रहा है या इस समय आप पिछले दो तीन साल से इंडिया की इकोनॉमी इतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है काफी नेगेटिव उसमें जा रही है तो उस समय पे क्या इतना एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे करना सही है क्या इसको और बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकते ये आपको मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इस कि के मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स सोचने अगर बहुत अच्छा होगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख दें नहीं तो कम आप तो तो मैं दो से कम सोचिएगा सोचोगे हो सके अगर आप जो कमेंट बॉक्स में लिखोग लिखूंगा लेकिन इस एंगल में सोचिए कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर के फायदे क्या हैं और मिलिट्री एक्सपेंडिचर के नुकसान क्या है एग्जाम में पूछा जा चुका है किसी ना किसी रूप में पूछा जाएगा आपसे Uh, पहले पूछा भी गया और पूछा जाएगा मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचो बाकी मैं और इन फ्यूचर में थोड़ा सा बारे में बताता ठीक है तो आप कमेंट uh, बॉक्स में लिखिएगा अच्छा अगर uh, थोड़ा सा और अगर हम बात करते हैं कि इंडिया यूबीपीसी uh, में प्री में सवाल पूछने के लिए इस इस टॉपिक से तो एक तो आएगा सिपरी के बारे में दूसरा स्टॉकों के बारे में पूछा आपसे किसकी राजधानी है या कौन सी इंडिया की रैंकिंग है एक चीज और भी है कि जो इंडिया अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है वो ग्लोबल शेयर कितना है उसका ग्लोबल लेवल पर इंडिया मात्र थ्री पॉइंट सेवन परसेंट ही मिलिट्री uh, पे uh, खर्चा करा ठीक है उसी अगर कंपेयर करते हैं यूएसए uh, को तो लगभग थर्टी नाइन परसेंट को खर्चा करता है और चाइना को कम्पेयर करते हैं तेरह परसेंट है इंडिया लगभग थ्री पॉइंट सेवन है तो इंडिया का शेयर वर्ल्ड लेवल पर अभी उतना ज़्यादा नहीं सिग्निफिकेंटली नहीं है अच्छा खासा है थ्री पॉइंट भी कम नहीं होता है इंडिया से कंट्री में लेकिन अभी भी यूएसए से तो बहुत कम रहता है वो ठीक है तो ये चीजें थोड़ी आपको याद रखनी क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे सीधे सवाल ना पूछे थोड़ा सा घुमा के पूछे तो चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी तो मैं आपको वहां पर बता रहा हूँ जहां पर इंडिया से जुड़े हुए सवाल पूछ सकता है आपसे ठीक है तो पहले हमने देखा कि स्टॉक सिपरी के बारे में पता स्टॉक के बारे में देखा हमने इंडिया की रैंकिंग के बारे में देखा और ग्लोबल लेवल पे कितना शेयर है इंडिया का तो वो देख लिया हमने एक लेवल पर और आता है कि इंडिया जो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले इंडिया ने

इसी टॉपिक से दो तीन सवाल आते हैं क्योंकि पी एस का पेपर है जरूरी सिपरी पूछेगा इसलिए मैं आपको एक दो पॉइंट और दे रहा हूँ जहां से वो अगर घुमा के पूछेगा तो आप आंसर राइट कर सकते हैं उसके अंदर ठीक है चलिए अब ये तो हो गया टॉपिक क्योंकि ज्यादा टॉपिक बहुत डिटेल में उठाने लेकिन इसी से जुड़ा हुआ जो आपके लिए क्वेश्चन है वो आता है मुझे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई ये बताइए कि स्कैंडियन कंट्रीज कौन सी होती हैं क्या है और ये स्कैन डिवियन कंट्रीज क्या होती हैं एग्जाम में ये सवाल पूछ चुके हैं आई एस के एग्जाम में आ चुका है पीसीएस और छोटे एग्जाम से भी आ चुका है तो स्कैन डिवियन कंट्री क्या होती हैं कौन है ये इनका पीछे बैकग्राउंड क्या है हो सके दो तीन लाइनों के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेगा अगर ना लिख पाए बताइएगा तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें क्योंकि तो जो लोग सही बताएंगे उसको मैं अगले वीडियो में उनका मैं नाम मेंशन करूंगा मैं अब आपके लिए बोनस चीज है देखिए अब चूंकि एक हमने सिपरी पढ़ ली है मिलिट्री एक्सपेंडिचर पढ़ लिया है थोड़ा सा एक स्टेप और आ जाते हैं कि भाई ठीक है माना इंडिया जो है एक्सपेंडिचर में नंबर तीन पे है लेकिन अगर हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं मिलिट्री इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो क्या स्थिति है देखिए दोस्तों इंडिया सबसे ज्यादा जो अपने हथियार लेता है वो लेता है यूएसएसआर से ठीक है यूएसएसआर से इंडिया लेता है लगभग 56 परसेंट जो है इंडिया अपना जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया से लेता है नंबर हैन पे रशिया है ठीक है अच्छा रशिया से हाल फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या ली है हाल फिलहाल के साल दो साल के अंदर ये एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल के अंदर हमने रशिया से क्या लिया है और हाल फिलहाल से अमेरिका ने हमें क्या दिया है एक दो साल के अंदर और हाल फिलहाल के अंदर फ्रांस ने हमें क्या दिया है और हाल फिलहाल के अंदर इसराइल ने क्या दिया ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है अभी बात करते करते जब पीसीएस थ्री में पूछा गया था इंडिया ने जो चीज सामान लिया था मिलिट्री वो किस किस कंट्री से लिया था तो मैथ तो फॉलोइंग वाला सवाल आ गया था तो चार पांच कंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है इजराइल इजराइल से क्या लिया है यूएसएसआर ने रशिया से क्या क्या लिया है रशिया यूएसएसआर तो नहीं खत्म हो गया खत्म हो चुका है रशिया अमेरिका और फ्रांस इंडिया ने इनसे क्या क्या लिया है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आता है अच्छा एक सवाल और आता है कि इंडिया भाई चलो अब तो जब से मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो मोदी जी का कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे चीजों को हम एक्सपोर्ट करें जो हम बना सकते हैं ठीक है हमारा मिलिट्री इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है हम लोग बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों में एक्सपर्ट है और जिनमें एक्सपर्ट है तो हम क्या उनको विदेशों में बेच सकते हैं क्या तो बिल्कुल बेच सकते हैं इंडिया जो है कुछ चीजें विदेशों में बेचती है जिसमें से एक है म्यांमार उनको भेजते हैं श्रीलंका मॉरिशस यहाँ पर इन कंट्रीज को हम छोटे छोटे जो हथियार होते हैं जिसको हम बना सकते हैं वो भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बिल्कुल जीरो है पिछले दो तीन साल के अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट आई थिंक अगर मुझे याद है जीरो पॉइंट थ्री हो चु जीरो से जीरो पॉइंट थ्री हो चुका है या वन पॉइंट थ्री हो चुका है ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्या है इन दोनों में से एक आंकड़ा है आप लोग देख लीजिएगा पहले दो पंद्रह सोलह तक जीरो पर जीरो था लेकिन ये ग्लोबल शेयर जीरो पॉइंट थ्री या वन पॉइंट थ्री हो चुका है इनमें से एक चीज होगा तो ये देख लीजिएगा इसके अंदर ठीक है तो ये कुछ सवाल ऐसे थे मैंने कोशिश की है कि रेंडमली मेरे दिमाग में आ जाए जिससे कि आप लोग आ, हर टॉपिक के पांच पॉइंट होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके आप ठीक है बाकी दोस्तों खत्म करने से पहले जैसे मैंने कोर्स के बारे में बताया था कोर्स चाहे तो ले सकते हैं बाकी कोई दिक्कत हो किसी समस्या हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था उनको तो वीडियो पसंद आया होगा धन्यवाद